नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। दुनिया में हर एक इंसान जवान दिखना चाहता है। लोग जवान दिखने के लिए लाखों के प्रोडक्ट और सर्जरी कराते हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर से सामने आया, जहां एक टाइम मशीन की चर्चा तेज हुई जो बूढ़े को कुछ ही दिन में जवान कर देती है। इसराइल से मंगाई गई इस मशीन से होने वाली थेरेपी से हर एक खुद को जवान करना चाहता था। तो क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कानपुर की रश्मि और राजीव नाम के कपल ने बड़े जश्न के साथ एक मशीन का प्रचार प्रसार किया। बड़े बड़े नेताओं से लेकर आईपीएस और आईएएस इस मशीन के लॉन्च के दौरान पहुंचे। इस कतार में ज्यादातर बुजुर्ग थे जो खुद को जवान करना चाहते थे, लेकिन जवान करने वाली इस मशीन से होने वाली थेरेपी के नाम पर करोड़ों रुपए ठगे गए। जवान करने का सपना दिखाकर लोगों को चूना लगाकर ये फ्रॉड कपल रफू चक्कर हो गए, पति पत्नी फरार हो गए। कानपुर के गोविंद नगर क्षेत्र में एक टाइम मशीन का उद्घाटन हुआ, जिसमें बुजुर्गों को एक स्पेशल ऑक्सीजन थेरेपी से जवान करने का दावा किया गया। हजारों रुपए इस थेरेपी की कॉस्ट बताई गई और खुद को जवान करने वालों की भी बड़ी संख्या तैयार हुई। थेरेपी हुई, लेकिन ब्रह्म जाल में फंसे लोग इस फ्रॉड को समझ नहीं पाए। इस पूरे मामले में पीड़िता रेणु चंदेल ने बताया कि उन्होंने भी इसी थेरेपी के जाल में फंसकर कई लोगों को इसे करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके भी लाखों रुपए लेकर ये फ्रॉड भाग गए। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं हैरानी की बात यह है कि जिस मशीन को ठगी करने वाले पति पत्नी इजराइल का बताकर लोगों से लाखों रुपए ठग रहे थे, अब भांडा फूटने के बाद पता चला है कि यूपी के कानपुर देहात में एक निजी लोहे के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से मशीन का फर्जी स्वरूप बनवाया गया था। तो देखा किस तरह जवान होने के चक्कर में लोगों ने अपने लाखों रुपए गवा दिए। वहीं अब पुलिस ने सभी पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन फरार आरोपियों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं उनके विदेश भाग जाने की बात भी सामने आ रही है, जिसके चलते रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किए जाने की पुलिस अधिकारी बात कर रहे हैं। ऐसे में फ्रॉड कपल कब जाकर पुलिस के हाथ चढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।